प्रिय छात्रों, आप सभी को नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। तो आज हम 10वीं कक्षा में जो कविता भाग है उसका जो दूसरा पाठ है, पदावली, जो मीराबाई जी ने लिखा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले आपने दोहावली किया है, जो राम भक्ति शाखा के सप्रसिद्ध कवि जो हुए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, उनके आपने जो दोहे हैं जो नीति और भक्ति के हैं वो आपने पढ़ा है। तो इसमें हम मीरा जी के जो पद हैं वो करेंगे। उससे पहले हम उनका जो परिचय है वो जान ले। जो मीराबाई जी हैं वो कृष्ण भक्तों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। उनका जो काव्य है वो हृदय का काव्य है, मतलब कोमल जो भवधारा है उनके काव्य में हम देख सकते हैं। उनका जो जन्म है वो कुंडकी, जो कि राजस्थान में है, जोधपुर जिले में, तो वहाँ के जो राव रतन सिंह राठौर थे उनके घर में सन 1498 ईस्वी में हुआ था। तो बचपन में ही इनके जो माता जी थे उनका देहांत हो गया था, तो इनका जो पालन पोषण था वो इनके दादाजी ने किया था। तो इनके जो दादाजी थे वो वैष्णव भक्ति से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, तो इस बात को मीरा को भी प्रभावित किया। तो मीरा जी का जो विवाह था राणा सांगा, उस समय के बड़े बहादुर वो माने जाते हैं, इतिहास में उनका काफ़ी वर्णन आता है, तो उनके पुत्र थे भोजराज, उनके साथ हुआ था। तो विवाह के कुछ समय पश्चात उनके जो पति थे उनका भी स्वर्गवास हो गया। तो इन सभी बातों ने मीरा को तोड़ दिया और वो संसार से विरक्त हो गई। उसका संसार से मतलब जो मोह था वो भंग हो गया। तो वो श्री कृष्ण जी की जो उपासना थी उसमें वो मगन रहने लगी। वो मंदिरों में जाती, श्री कृष्ण जी के जो भजन हैं वो गाती और मूर्तियों के सामने नाचती, साधु संतों की वो संगति करती। तो उसके ऐसे आचरण से रुष्ट होकर जो उनके देवर थे तो उन्होंने मीरा जी को मरवाने के बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन प्रभु भक्ति में लीन रहने वाली जो मीरा जी थे उनका बाल भी बांका ना हुआ। तो अपने परिवार के बुरे व्यवहार से तंग आकर जो मीरा जी थे, पहले वो वृंदावन चले गए, उसके बाद वो द्वारिका रहने लगे। तो वहीं पर उन्होंने अपने जो जिंदगी है मतलब अंतिम जो समय है वहीं पर बिताया। 1573 ईस्वी में उनका जो देहांत था वो हो गया था। तो उनकी बहुत सी प्रसिद्ध रचनाएं हमें मिलती हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो है पदावली ही प्रमाणिक जो है मानी जाती है। इसके अलावा नरसी जी का जो मायरा है, गीत गोविंद का टीका है, राग गोविंद है, राग सोठा के पद हैं, वो भी ऐसा माना जाता है कि मीरा जी ने ही लिखे हैं। तो दो पद हैं आपके पाठ्यक्रम में, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो पहले मैं जो है उसकी व्याख्या करूँगा, ठीक है, एक एक पंक्ति आपको समझाऊँगा, तो उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसा पहला पद आपकी पाठ्यपुस्तक में है वो है, बसो मेरे नयन में नंदलाल, मोहिनी मूरते सावरी सूरते नैना बसे विशाल, मोर मुकुट मकरा कृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल, अधर सुधारस मुरली राजते उर विजंती माल, छुदर घटिका कटितट शोभित नुपर शब्द रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाय भगत बचल गोपाल। तो ये पहला पद है, हम एक एक पंक्ति की व्याख्या करेंगे और जो भी कठिन शब्द आए हैं वो मैं आपको बताता जाऊंगा। उससे पहले जो भी ऐसा पद आता है, पंक्तियां आती हैं, तो पहले आपने प्रसंग लिखना होता है। तो पहले मैं आपको प्रसंग बताऊंगा, उसके बाद जो है आप जो है व्याख्या मुझसे सुनेंगे। तो प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक की कविता पदावली से ली गई हैं और इसके रचयिता मीरा जी हैं। तो इस पद में मीरा जी ने जहाँ
कवित्री ने बाल कृष्ण जो हैं उनकी मनोहारी छवि का वर्णन करते हुए उसे अपने नेत्रों में बसाने का वर्णन किया है। तो व्याख्या पर आते हैं, तो पहली पंक्ति फिर से पढ़ता हूं मैं। बसो मेरे नयन में नंदलाल, बसो का यहाँ अर्थ है मतलब अपने अंदर निवास करना, बसो मतलब निवास करना। नयन होते हैं नेत्र, या जिसे हम आंख भी बोल देते हैं। नंदलाल, नंद मतलब श्री कृष्ण जी का पालन पोषण करने वाले पिता, लाल मतलब उनके पुत्र, मतलब श्री कृष्ण जी को यहाँ कहा गया है। कवित्री अपनी जो है कामना व्यक्त करते हुए कहती है कि हे नंद के पुत्र श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में निवास करने की कृपा करें। ठीक है, तो दूसरी में आते हैं। मोहनी मूर्ति सावरी सूरती नैना बने विशाल, विशाल होता है बड़े बड़े, विशाल जिसे हम बोलते हैं। मोहनी होता है आकर्षित करने वाली, ठीक है, और सावरी होता है सांवले रंग की, सूरती होता है शकल। तो दूसरी पंक्ति में मीरा जी कहते हैं, आपकी मोहित करने वाली जो आकृति है तथा सांवले रंग की सूरत है, मतलब आपकी जो आकृति है वो सभी को मोहित करती है, और आपका जो रंग है वो सांवला है, और आपके जो नेत्र हैं बहुत बड़े बड़े हैं। तो तीसरी पंक्ति पर आते हैं। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरण तिलक दिए भाल, तो इसमें आता है कि जो मकराकृत शब्द आया है इसका अर्थ है मकर के आकृति के, मतलब मकर यहाँ मछली को कहते हैं, कि जो उन्होंने कुंडल धारण किए हैं वो मछली की शेप में बने हुए हैं, मतलब आकार में बने हुए हैं। अरुण होता है लाल, भाल हम मस्तक या माथे को बोलते हैं। तो इसकी हम व्याख्या करते हैं कि आपने मोर के पंखों का जो मुकुट है सर पर और कानों में मकर की आकृति के जो कुंडल हैं वो धारण किए हुए हैं, आपके माथे पर लाल रंग का जो तिलक है वो सुशोभित हो रहा है, मतलब आपके माथे पर जो लाल रंग का तिलक लगाया हुआ है वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा सुंदर लग रहा है। अगली पंक्ति, अधर सुधारस मुरली रजते विजंती माल, अधर सुधारस मुरली रजते विजंती माल। अधर का मतलब होता है बेटा होंठ, होंठ, और सुधारस यहाँ शब्द आया है जिसका मतलब है अमृत रस। मुरली आपको पता ही है बांसुरी, क्योंकि उन्हें मुरली वादक भी बोला जाता है। राजती होता है सुशोभित। तो इसकी अब हम व्याख्या करते हैं कि आपके होंठों पर अमृत समान जो मधुर स्वर रस की वर्षा करने वाली बांसुरी तथा हृदय पर जो है विजंती माला विराजमान है, मतलब जो आपने एक माला पहनी हुई है विजंती माला आपकी छाती पर, वो बड़ी सुंदर लग रही है, और आपके जो होंठ है उस पर जो मधुर रस लगा हुआ है, मतलब जिससे आप जो बांसुरी है वो बजा रहे हैं, और वो बड़ा एक सुंदर मतलब दृश्य लग रहा है। और आपके जो माता जी हैं उन्होंने कि श्री कृष्ण जो है वो दूर ना चले जाए उनकी कमर पर छोटी छोटी घंटियां बांधी हुई थी, जिसका अगली पंक्तियों में वर्णन है। पहले हम वो पंक्ति पढ़ते हैं। छुदर घटिका कटितट शोभित नुपर शब्द रसाल, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले छुदर आया, मतलब छुदर का मतलब है छोटी, घंटिका जैसे मैंने आपको बताया घंटियां, कटी होता है कमर, शोभित का मतलब है कि सुशोभित है, नुपर होता है पायल जहाँ हम घुंघरू भी बोल देते हैं, ठीक है, तो शब्द रसाल, तो रसाल का यहाँ अर्थ है मीठा, मोहक जहाँ हम उसको मधुर भी बोल देते हैं। तो इसकी व्याख्या जो है, तो मीरा जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी के कमर पर छोटी छोटी जो घंटियाँ हैं वो बंधी हुई हैं और पैरों में घुंघरू बंधे हुए हैं, जो मुझे बड़े ही प्यारे लग रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो पैरों में जो पायल है ना, उसके जो गुंजार है वो बड़ी मधुर सुनाई दे रही है, और जो माता यशोदा है उनको भी पता चल जाता है कि श्री कृष्ण किस तरफ गए हैं, इसलिए उन्होंने उनकी कमर पर और पैरों में जो पायल है वो बांधी थी।
तो अंतिम पंक्ति जो है उस पर आते हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाए भगत बछल गोपाल। तो इसमें जो कठिन शब्द है वो बछल आया है, जिसका मतलब है रक्षक। तो अंतिम पंक्ति में मीरा जी कहते हैं कि मीरा के जो प्रभु हैं, तो जो श्री कृष्ण जी हैं, वो संतों को सुख प्रदान करते हैं कि जो भी उनकी भक्ति करता है, जो भी उनको हृदय से चाहता है, वो सभी को सुख प्रदान करते हैं तथा अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि उन पर बहुत से हमले हुए थे, उनके देवर ने करवाए थे उनको मारने के लिए, लेकिन हर बार उनका जो बचाव होता था, तो मीरा जी का मानना था कि जो श्री कृष्ण जी हैं वो ही उसकी रक्षा करते हैं। तो इन पंक्तियों में आपने जो है श्री कृष्ण के बाल रूप का जो है पढ़ा है, उनके बाल रूप के बारे में, और मीरा जी ने उनको संतों के लिए सुखदाई माना है और भक्तों की रक्षा करने वाला माना है, और श्री कृष्ण जी को अपने नेत्रों में बसने की कामना की है कि वो श्री कृष्ण जी जो हैं वो उनके नेत्रों में बस जाए। अब हम दूसरे पर आते हैं। तो दूसरा जो पद है, पहले मैं आपको वो पूरा पढ़कर सुनाऊंगा जैसे मैंने पहला पद में किया है, फिर मैं उसकी एक एक पंक्ति में जो भी कठिन शब्द आए हैं वो आपको बताऊंगा, फिर हम एक एक पंक्ति की व्याख्या भी करेंगे। तो उससे पहले मैं चाहता हूँ एक बार हम जो हमने पहला पद किया है उसकी जो सरलार्थ की है, व्याख्या की है, तो एक बार मैं आपको दोबारा उसकी जो व्याख्या है वो मैं बता दूं, उसके बाद हम दूसरे पद पर आते हैं। तो जैसा था, बसो मेरे नयन में नंदलाल, ठीक है, तो कवित्री अपनी कामना व्यक्त करते हुए कहती है कि हे नंद के पुत्र श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में निवास करने की कृपा करें, ठीक है। उसके बाद मोहिनी मूर्ति सावरी सूरती नैना बने विशाल, आपकी जो मोहित करने वाली आकृति है तथा सांवले रंग की सूरत है, आपके जो नेत्र हैं वो बड़े बड़े हैं, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरण तिलक दिए भाल, आपने मोर के पंखों का जो मुकुट है वो सर पर तथा कानों में मकर की आकृति के जो कुंडल हैं वो धारण किए हुए हैं, आपके माथे पर लाल रंग का जो तिलक है वो बड़ा सुंदर लग रहा है, सुशोभित हो रहा है, अधर सुधारस मुरली राजते उर्व जंती माल, आपके होठों पर अमृत समान मधुर स्वर रस की जो वर्षा है वो करने वाली बांसुरी है तथा हृदय पर जो वजंती माला है वो विराजमान है, जो आपने एक माला पहनी हुई है वजंती माला, अलग अलग जो मोतियों वाली माला है वो आपकी छाती पर जो है बड़ी वो सुंदर लग रही है, ऐसा मीरा जी का मानना है। तो अगली पंक्तियां, छोदर घटिका कटितट शोभित नुपर शब्द रसाल, मतलब छोटी छोटी जो घंटियां हैं आपकी कमर पर बंधी हुई हैं तथा पैरों में घुंघरू बंधे हुए हैं, जिनकी मधुर जो गुंजार है, जो ध्वनि है वो सुनाई दे रही है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो श्री कृष्ण जी के माता जी हैं, श्री यशोदा जी, उन्होंने जो माला है, जो पायल जो बांधी है, वो इसलिए बांधी है कि कहीं कृष्ण जी अगर दूर भी जाते हैं तो वो ध्वनि सुनकर उनको पता चल जाए कि वो यहीं कहीं ही हैं, ठीक है। तो अंतिम पंक्ति, मीरा प्रभु संतन सुखदाए भगत बछल गोपाल। तो इसमें मीरा जी कहते हैं कि मीरा के जो प्रभु हैं श्री कृष्ण जी, वो संतों को सुख प्रदान करते हैं तथा अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। तो दूसरा पद जो है, पहले मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। मेरा तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोए जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोए, तात मात भ्रात बंधु अपनों ना कोए, छाड़े दय कुल की काने कहाँ करे कोए, संतन डिग बैठे बैठे लोक लाज खोए, अंशुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोए, अब तो बेले फैल गई अनंत फैल होए, भगत देखे राजी भई
जगत देखे रोए, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो ये था पहला पद, इसकी पहली पंक्ति की व्याख्या करने से पहले, जैसे आपको पता है कि आपने प्रसंग करना होता है, तो ठीक वैसे ही कि प्रस्तुत पद जो है मीराबाई की पदावली से लिया गया है, ठीक है। यहाँ प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक की जो कविता है, मीराबाई जी की कविता जो है पदावली से लिया गया है। इसमें कवित्री ने भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में मानकर उनके प्रति अपनी भक्ति भावना का जो है यहाँ पर परिचय दिया है। तो पहली पंक्ति, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। तो मीरा जी कहते हैं कि मेरा तो सब कुछ जो है वो गोवर्धन पर्वतधारी श्री कृष्ण जी हैं। तो एक बार क्या हुआ, इंद्र के प्रकोप के कारण जो था बाढ़ जैसा माहौल बन गया था, तो वृंदावन के वासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण जी ने जो उस वहां पर पर्वत था गोवर्धन पर्वत, उसको अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था एक छतरी के समान, तो पूरे वृंदावन वासियों की रक्षा की थी और इंद्र का जो अहंकार था वो तोड़ा था। तभी से इनको जो है श्री कृष्ण जी को गोवर्धन पर्वतधारी भी कहते हैं या गिरिधर भी कहते हैं। तो मीरा जी कहते हैं कि इनके अलावा मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। तो अगली पंक्ति है, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोए। तो मीरा जी कहते हैं कि जो मोर मुकुट धारण करने वाले श्री कृष्ण जी हैं वही मेरे पिता हैं, सॉरी वही मेरे पति हैं। तात मात भरात बंधु अपना ना कोई, तात मात भरात बंधु अपना ना कोई। तात मतलब पिता, मात का मतलब यहाँ माता है, और भरात का मतलब भाई, बंधु सगे संबंधी रिश्तेदार, ठीक है। तो मीरा जी कहते हैं कि पिता माता भाई सगा संबंधी, इनमें से मेरा अपना कोई नहीं है। तो अगली पंक्ति, छाड़े दई कुल की काने कहाँ करे कोई। छाड़े का मतलब है छोड़ना, त्यागना। तो इसमें मीरा जी कहते हैं कि मैंने अपने परिवार की मान मर्यादा को छोड़कर उन्हें अपना लिया है, मतलब श्री कृष्ण जी को अपना लिया है, मैंने लोक लाज जो है वो छोड़ दी है, इसलिए मेरा अब कोई क्या कर सकता है, अर्थात मुझे किसी की परवाह नहीं है। तो अगली पंक्ति, संतन डिग बैठे बैठे लोक लाज खोए। संतन डिग बैठे बैठे लोक लाज खोए, डिग होता है पास निकट। तो इसमें मीरा जी कहते हैं कि मैं लोक लाज की चिंता छोड़कर संतों के पास बैठती हूं। अगली पंक्ति, आंसुअन जल सींचे सींचे प्रेम बेले बोए। सींचे का मतलब सींचना। तो मीरा जी यहां कहती हैं कि मैंने आंसुओं के जल से सींच सींच कर कृष्ण प्रेम की जो बेल है उसको बोया है। कहने का अर्थ है कि श्री कृष्ण के प्रति मेरे मन की प्रेम रूपी जो बेल है उसका विकास हो चुका है, कि जो श्री कृष्ण जी हैं वो मेरे अंदर समा चुके हैं, तो इसलिए उनके प्यार को उनके प्रेम को किसी प्रकार से जो नष्ट है वो नहीं किया जा सकता। अब तो बेले फैल गई आनंद फल होए। आनंद का मतलब खुशी, असीम खुशी, ठीक है। तो मीरा जी कहते हैं कि वे प्रभु भक्त को देखकर जो है वो प्रसन्न होती है, पर संसार को देखकर रो पड़ती है। भक्त देख राजी भई जगत देख रोई, ठीक है। तो यहाँ इसकी मैं दोबारा आपको पंक्ति बताता हूं कि जो श्री कृष्ण के प्रति जो मीरा जी हैं उनके मन की प्रेम रूपी बेल का विकास हो चुका है, तो किसी प्रकार उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। अगली पंक्ति में मीरा जी कहते हैं कि वो प्रेम भक्त को देखकर तो प्रसन्न होती है, कि जो प्रभु की भक्ति करते हैं जो लोग उनको देखकर उन्हें खुशी मिलती है, लेकिन वो संसार को देखकर रो पड़ती है, ठीक है। भक्त देख राजी भई जगत देख रोए। तो इस पंक्ति का ये भाव था। अंतिम पंक्ति पर हम आते हैं, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोहे। राजी का मतलब प्रसन्न, जगदी का मतलब यहाँ दुनिया संसार का है, उद्धार का मतलब होता है भला करना या मुक्ति देना।
ठीक है। तो अंतिम पंक्ति में मीरा जी कहते हैं कि माया मोह में जो लिप्त प्राणी हैं, उनकी दैन्य अंत की कल्पना मात्र से जो है मेरा जो दिल है वो दुख से भर जाता है। तो मीरा जो है स्वयं को श्री कृष्ण की जो दासी है वो मानती है, और उनसे अपने उद्धार की, अपनी मुक्ति की जो कामना की मतलब प्रार्थना करती है कि उसे इस जन्म का जो चक्कर है उससे उसे मुक्ति मिल जाए। तो यहाँ इस पद में जो मीरा जी हैं उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अपने आप को समर्पित किया है और उन्हें अपने पति के रूप में माना है और उनसे अपने उद्धार की मतलब अपनी मुक्ति की जहाँ उन्होंने प्रार्थना की है। तो ये था दूसरा पद। हम इसकी अब पुनरावृत्ति करते हैं। तो एक बार पूरा मैं सरल अर्थ जो है आपको दोबारा जो है वो बता देता हूँ। पहली पंक्ति जैसे हमने पढ़ी थी, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। तो इसमें मीरा जी कहते हैं कि मेरा तो सारा कुछ गोवर्धन पर्वतधारी श्री कृष्ण जी हैं, उनके अलावा मेरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। तो प्रिय छात्रों, दूसरे पद की हम पुनरावृत्ति करते हैं। तो जैसे कि पहली पंक्ति है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोए। तो इसमें जो मीरा जी हैं वो कहती हैं कि मेरा सब कुछ जो है गोवर्धन पर्वत उठाने वाले श्री कृष्ण जी हैं और इनके अलावा मेरा कोई नहीं है। तो अगली पंक्ति में वो कहती हैं कि मोर मुकुट धारण करने वाले श्री कृष्ण जी जो हैं वो मेरे पति हैं, पिता माता भाई बंधु सगा संबंधी, इनमें से मेरा कोई भी अपना नहीं है। तो मैंने अपने परिवार की जो मान मर्यादा है उसको छोड़कर मैंने श्री कृष्ण जी को अपना लिया है। कहने का भाव कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, सब चीजों का मैंने त्याग कर दिया है, इसलिए अब मेरा कोई क्या कर सकता है, अर्थात मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। मैं लोक लाज की चिंता छोड़कर संतों के पास बैठती हूं। मैंने आंसुओं के जल से सींच कर कृष्ण प्रेम की जो बेल है उसको बोया है। कहने का भाव ये है कि श्री कृष्ण के प्रति जो मीरा के मन में प्रेम रूपी बेल है उसका विकास हो चुका है। तो इस बेल को, इस प्रेम को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मीरा जी पर बहुत से आक्रमण हुए उनको मरवाने के लिए उनके परिवार के द्वारा, खासतौर पर उनके देवर के द्वारा। तो हर बार श्री कृष्ण जी की भक्ति के कारण उनका बचाव हो गया। तो इसलिए वो कहती है कि जो श्री कृष्ण के प्रति मेरा प्यार है उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। तो मीरा जी कहते हैं कि वो प्रभु भक्त को देखकर तो प्रसन्न होती है कि जो प्रभु भक्ति करते हैं, जो सिमरन करते हैं, लेकिन जो दूसरा संसार है उसको देखकर रो पड़ती है। भाव ये है कि जो माया मोह में लिप्त प्राणी हैं, जो इंसान हैं, उनका दैन्य अंत कैसे होगा, इस कल्पना मात्र से जो मीरा जी कहते हैं कि मेरा जो दिल है वो दुख से भर जाता है। तो मीरा जी जो हैं स्वयं को श्री कृष्ण की दासी के रूप में मानती हैं और उनसे अपने उद्धार की, अपनी मुक्ति की कामना करती हैं। तो ये था बेटा दूसरा पद। इसमें खास तौर पर जो मीरा जी हैं उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अपने आप को समर्पित किया है, उन्हें अपने पति के रूप में वो मानती हैं और वो उनसे अपने उद्धार की, अपने मुक्ति की कामना करती हैं। तो ये दोनों पद बेटा आपने लिखने हैं, पहले अच्छे ढंग से सुनना है, फिर से कॉपी पर आपने नोट करना है। तो इसके साथ ही अभ्यास के प्रश्न भी हैं, उसके दो भाग हैं। पहले भाग में विषय बोध है जो छोटे छोटे प्रश्न हैं, दूसरा है भाव बोध जो व्याकरण का भाग है। तो पहला प्रश्न जो है आपकी पाठ्य पुस्तक में छोटे प्रश्नों वाला, पहले उसको हम करते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में से जो उत्तर है आपने एक दो पंक्तियों में देना है। तो पहला प्रश्न है, श्री कृष्ण ने कौन सा पर्वत धारण किया था। मैंने आपको व्याख्या में भी बताया था, आपको याद होगा, तो आपने इसका उत्तर लिखना है, श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत जो है वो धारण किया था। तो दूसरा प्रश्न, मीरा किसे अपने नैनों में बसाना चाहती है। तो पहले पद में ही आया था,
जो मीरा जी हैं वो नंद के पुत्र श्री कृष्ण जी को अपने नैनों में बसाना चाहती हैं। तो तीसरे पर आते हैं हम। श्री कृष्ण ने किस प्रकार का जो मुकुट था और कुंडल थे वो धारण किए हैं? तो श्री कृष्ण ने मोर पंखों का मुकुट और मकर की आकृति के जो कुंडल हैं वो धारण किए हैं। तो पहले पद में इसका वर्णन हुआ था कि श्री कृष्ण ने मोर के पंखों का मुकुट और मकर की आकृति के जो कुंडल हैं वो धारण किए हैं। तो अगला प्रश्न, मीरा किसे देखकर प्रसन्न हुई और किसे देखकर दुखी हुई? दूसरे पद में हमने इसकी व्याख्या में पढ़ा था कि जो मीरा है वो भक्तों को देखकर, तो मीरा जी जो हैं भक्तों को देखकर प्रसन्न हुई और संसारिक जो मोह माया में फंसे हुए लोग हैं उनको देखकर वो दुखी हुई। मीरा भक्तों को देखकर प्रसन्न हुई और संसारिक मोह माया में फंसे हुए लोगों को देखकर दुखी हुई। तो अगला प्रश्न, संतों की संगति में रहकर मीरा ने क्या छोड़ दिया? संतों की संगति में रहकर मीरा ने कुल की मर्यादा और लोक लाज को छोड़ दिया था। संतों की संगति में रहकर मीरा ने कुल की मर्यादा तथा लोक लाज को छोड़ दिया था। तो अगला प्रश्न, मीरा अपने आंसुओं के जल से किस बेल को सींच रही है? तो मीरा अपने आंसुओं के जल से श्री कृष्ण के प्रति अपने हृदय में जो विद्यमान प्रेम रूपी बेल है उसको सींच रही है। मीरा अपने आंसुओं के जल से श्री कृष्ण के प्रति अपने हृदय में विद्यमान जो प्रेम रूपी बेल है को सींच रही है। तो अभ्यास का आखिरी जो प्रश्न है विषय बोध का, पदावली के दूसरे पद में मीराबाई गिरधर से क्या चाहती है? तो मीराबाई ने गिरिधर को अपने पति के रूप में स्वीकार कर उनसे चाहा है कि केवल वे ही उसका अब उद्धार कर सकते हैं, मतलब मुक्ति दे सकते हैं। वह उनकी शरण में सदा के लिए आना चाहती है। तो अगला जो है भाव बोध्य है तो उसको हम करने जा रहे हैं। तो उसका जो पहला है पर्यायवाची शब्द बताने हैं आपने। पहला है भाल। जैसे मैंने आपको व्याख्या में भी बताया था, भाल होता है मस्तक, माथा, उसको हम ललाट भी बोलते हैं, कपाल भी बोलते हैं। तो दूसरा है प्रभु। प्रभु ईश्वर, भगवान, परमेश्वर, ईश, बहुत से मतलब आप इसके जो पर्यायवाची शब्द हैं वो लिख सकते हैं। तीसरा है जगत। जगत होता है संसार, दुनिया, जग, ठीक है। इसके अलावा वन है चौथे नंबर पर, वन होता है जंगल, ठीक है, जिसको विपिन भी बोलते हैं। व को छोटी की मात्रा, प को भी छोटी की मात्रा, न विपिन, कानन भी बोलते हैं। तो आपने तीन तीन जो पर्यायवाची शब्द हैं वो इन चारों के जरूर लिखने हैं। उसके बाद है दूसरे नंबर पर भिन्नार्थक शब्दों के आपने अर्थ लिखकर उनका वाक्य बनाना है। एक आया कुल, एक आया कूल। कुल का मतलब होता है वंश, ठीक है। जैसे श्री राम का जो जन्म था वो रघुकुल में हुआ था। कूल होता है किनारा, जैसे हमने नदी के कूल पर सैर की। आगे है कटी और कटी। कटी मतलब क ट को छोटी इ की मात्रा, वो होती है कमर। जैसे हमने व्याख्या में किया था कि बाल श्री कृष्ण की कटी पर जो छोटे छोटे घुंघरू हैं वो बंधे हुए हैं। दूसरा कटी मतलब कट जाना या फट जाना, ठीक है। जो उसकी कमीज है वो नीचे से कटी हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो छात्र हैं जो मीराबाई की पदावली है उनके दोनों पद, उनकी जो व्याख्या है और प्रश्न है वो जरूर पूरे कर लेंगे। तो उसके बाद मैं आपको एक व्याकरण पर भी जो जल्दी ही वीडियो है वो भी बनाऊंगा, ठीक है। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद।